Hello, my dear kiddos. How are you? Welcome to the last topic of your class 11th, which is probability. आज हम probability निकालेंगे. कौन से event की कितनी probability होती है. ठीक है, पूरे chapter को अच्छे से summarize करेंगे. I welcome all of you to the PW Gulf channel, where you can check the playlist. We have covered each and every topic of class 11th. सभी चैप्टर्स को रिवाइज किया है, काफी डिटेल में किया है. इफ यू हैव सीन वन वीडियो सिंसियरली, देन यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ मच एफर्ट्स द टीचर्स आर टेकिंग फॉर यू गाइज. ऑल दिस कंटेंट इज अवेलेबल फॉर फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, एंड वी आर रेडी टू प्रोवाइड मोर एंड मोर फॉर यू गाइज, प्रोवाइडेड यू ऑल्सो लाइक एंड encourage us further. All right guys, so let's move on to this chapter. Probability, teeny topic hai, random experiment, event and axiomatic approach to probability. Now this chapter you have studied earlier also in class 10th, the basic of probability, right? We are doing it again in class 11th and again we'll be doing in class 12th as well. क्लास 12th में जब हम इसको लेके जाएंगे आगे, तो इसी फाउंडेशन पे हम क्लास 12th को बिल्ड करेंगे बच्चों. रिमेंबर, दैट्स व्हाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. यू नीड टू रिमेंबर, जो भी नेक्स्ट ईयर आने वाला है वो इस साल ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए. वैसे चैप्टर भी बहुत ईजी है. द फर्स्ट सेकेंड पार्ट तो मतलब बच्चे यू करते हैं, जस्ट यू रीड इट वंस एंड इट्स देयर इन योर मेमोरी फॉर एवर. एक्जोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी जो है, हाँ जी, ये थोड़ा सा क्वेश्चंस एक्सरसाइज के कर लोगे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है. वेरी इजी क्वेश्चंस ऑन एक्सरसाइज, यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड यू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी. सो फर्स्ट पार्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट रैंडम एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही बोर्ड पे लिखी है, जिससे अगर आप ये नोट्स डाउनलोड करते हो यू विल गेट एवरीथिंग एट वन प्लेस. एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉस अ कॉइन, क्या तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो हेड या टेल सर्टेनिटी के साथ? नहीं, हम गेस कर सकते हैं, हम तुक्का लगा सकते हैं, राइट? तो व्हेन यू हैव गेसिंग, व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ द आउटकम, देन इट्स कॉल्ड एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. थ्रोइंग एन अनबायस्ड डाई, यू डोंट नो वेदर इट विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, व्हाट विल बी द आउटकम, वी डोंट नो. सो इट्स अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. सो एवरी रैंडम एक्सपेरिमेंट विल हैव सर्टेन नंबर ऑफ आउटकम्स. जो भी आउटपुट होता है उसको हम आउटकम्स बोलेंगे, राइट? तो ये सारे आउटकम को, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, व्हेन यू पुट देम टुगेदर इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस. व्हेन यू पुट ऑल द आउटकम्स टुगेदर इट फॉर्म्स अ सैंपल स्पेस. फॉर एग्जांपल, टू कॉइन्स के लिए HT, TH, HH, TT, डाई के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6. आई होप सबको पता है व्हेन थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, जब थ्री कॉइन्स टॉस करते हैं HH, TH, 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 TH,
die 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 2 1 3 1 4 1 36 outcomes होता है, right? When 3 dice are thrown, 216 outcomes. So yeah, basics of this you have studied in class 10th. उसी को हम आगे लेकर जा रहे हैं. So what is the sample space? You all have to tell me. कुछ experiments दिया आपके सामने. आपको बस sample space बताना है. The first exercise 16.1 is that. Nothing else. 16.1 में sample space बताना है. 16.2 में events के बारे में बताना है. Union, intersection, not. कॉम्प्लीमेंट एक्सेट्रा एंड 16.3 इज एक्जियोमेटिक अप्रोच जो कि बड़ा सिंपल है. तो तीन एक्सरसाइज कर लो, खत्म है चैप्टर. सो इन दिस एक्सपेरिमेंट्स यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द सैम्पल स्पेस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ्स. सो देयर इज अ एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिलीज विथ टू चिल्ड्रेन. सो देर आर लॉट ऑफ फैमिलीज हैविंग टू चिल्ड्रेन इन इट. वी हैव टू फाइंड आउट द सैम्पल स्पेस whether it's a boy or girl. तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? सैंपल स्पेस हो सकता है दोनों गर्ल्स निकले, या फिर फर्स्ट गर्ल सेकेंड बॉय, या फिर फर्स्ट चाइल्ड बॉय सेकेंड गर्ल, या फिर
both the child are boys. This is the preferable sample space, yes or no? यही outcomes होंगे. Whereas अगर question में है कि if you are interested in number of girls in the family, दो बच्चों में से कितनी लड़कियां हैं, अगर हमारा interest वहां पे है तो sample space क्या होगा? या तो दो लड़कियां होंगी, two girls, और there can be one girl, और there can be zero girl in the family, है ना? The unlucky ones. तो 2-1-0, that's the possible outcome. What else? और तो कुछ हो नहीं सकता. तो बस experiment देखना है, उसके outcomes क्या क्या होंगे सोचना है, वही sample space है. सारे possible outcomes को लिखना. Suppose 3 bulbs are selected at random from a lot. Each bulb is tested and classified as defective or non-defective. D for defective, N for non-defective. Write the sample space of this experiment. So there are 3 bulbs. 3 bulbs hai. Ho sakta hai ki tino defective ho. Or only 2 are defective. First, second defective, third not defective. First defective, second not defective, third defective. DND or NDD. Or it can be NND, both non-defective, third one defective, or NDN or DNN. Or it is possible that all three are non-defective. ठीक है, तो यही sample space होगा. 3 bulbs के लिए यही sample space बन सकता है. It's same like your 3 coins are tossed. HHHTT. H और T की जगह D और N है, और कुछ नया नहीं है. An experiment consists of rolling a die and then tossing a coin once if the number on the die is even. If the number of die is odd, the coin is tossed twice. Write the sample space for this experiment. Chalo experiment ko ek bar aur samajhte hain. First you will roll a die. So when you roll a die, you can get either an odd number or an even number. है ना, यू विल गेट ईदर एन ऑड नंबर और इवन नंबर. इवन नंबर्स आर 2, 4, 6, ऑड नंबर्स आर 1, 3, 5. एक्सपेरिमेंट कहता है रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन वंस. यू विल टॉस अ कॉइन वंस इफ नंबर इज इवन. अगर नंबर इवन है तो एक बारी 1, 2, 3, ओ सॉरी, टॉसिंग अ कॉइन इज हेड एंड टेल. बट इफ नंबर इज ऑड तो दो बार टॉस करोगे. दो बार टॉस करना यानी एच 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 टी टी एच टी टी. व्हाट इज द सैंपल स्पेस? नाउ द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट विल बी, सिर्फ एस लिखते हैं सैंपल स्पेस के लिए. इट कैन बी 2H और 2T, 4H, 4T. यस, इवन नंबर है तो मैंने क्या किया, एक बारी कॉइन को टॉस किया. 6H, 6T. अब मुझे ऑड नंबर्स आ रहे हैं 1, तो दो बार कॉइन को टॉस करना होगा. दो बार करने से मुझे मिल सकता है HH या फिर HT या फिर TH या फिर TT. 3 के साथ HH, 3 HT, 3 TH, 3 TT. सिमिलरली 5 के साथ HH, 5 HT, 5 TH और 5 TT. दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स. यस बच्चों, वेरी क्लियर? एनी डाउट्स? सुपर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. फर्स्ट एक्सरसाइज यही था जो हमने किया. राइट डाउन द सैंपल स्पेस. एक्सपेरिमेंट समझो, सैंपल स्पेस छापो. अब आते हैं थोड़ा सा इवेंट के बारे में. इवेंट का मतलब क्या है? अभी अभी हमने बात की एक सैंपल स्पेस है, एक एक्सपेरिमेंट है. एक्सपेरिमेंट है कॉइन को टॉस करना, सैंपल स्पेस होगा हेड या टेल. मैंने उसमें डिफाइन कर लिया एक सबसेट, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, जिसका नाम है इवेंट. इवेंट इज अ पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस में होगा हेड और टेल. सैंपल स्पेस में होगा हेड और टेल, तो मैंने एक इवेंट बता दिया. लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड. इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड. तो ए में क्या आ जाएगा बच्चों? एच और टी में से सिर्फ एच आ जाएगा, राइट? सो दैट्स व्हाट एन इवेंट इज. इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. इफ इवेंट इज आउटकम ऑफ वन हेड,
when two coins are tossed. Suppose two coins are tossed. The experiment क्या है? Two coins are tossed. Event है outcome of one head. तो कितने बार वन हेड आता है? या तो इधर या तो इधर. सो इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस बिकॉज सैंपल स्पेस विल हैव फोर एलिमेंट्स HH, HT, TH एंड TT. इसमें से यही दोनों सिर्फ आएंगे. सो इट्स एन इवेंट. प्लीज रिमेंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 एंड 1, इंक्लूडिंग 0 एंड 1. इट कैन नॉट बी मोर देन 1, इट कैन नॉट बी लेस देन 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट बी more than 1 or less than 0. If the probability of an event is 0, then it is called as an impossible event. Of course, what is the probability that there are no germs around me? 0. Matlab hoga yaar, kitne microorganism, microbes, germs kitne sare air mein hai, polluted hai, hum to full aas paas pollution hi hai, kare hai, pankhe hai, dhool hai, machhar hai. So, what is a, that's an impossible. Probability of an event is 1, then that event is called certain or sure event. What is the probability that there are dust around me? 1. It's a sure event ki hai bhai. Chalo. Next aata simple event pe, when there is only one outcome. Bahut simple simple definitions hai. Bahut simple simple words hai. By heart nahi karna, bas samajhna hai. When there is only one outcome, suppose koi bhi experiment ho, इवेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सिंगल टन. कोई कुछ भी हो सकता है. सपोज टॉसिंग अ कॉइन, तो सिर्फ एक ही आउटकम है. टॉसिंग आई मीन थ्रोइंग टू डाई, तो एक ही आउटकम आ गया 3.4. सो दिस इज ओनली वन एलिमेंट आउट ऑफ द सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस में सो बहुत सारे हैं, 1, 1, 1, 2, 1, 3, ऐसे मिला जुला के लास्ट में 6, 6 तक टोटल 36 एलिमेंट्स है. उसमें से केवल एक आ गया, सो दैट बिकम्स अ सिंपल इवेंट, ओनली वन आउटकम. देन वॉट इज अ कंपाउंड इवेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्पोजिट इवेंट. कॉम्पोजिट इवेंट का मतलब है मोर देन वन आउटकम. मोर देन वन आउटकम. अच्छा, सिंपल इवेंट का भी दूसरा नाम है एलिमेंट, एलिमेंट्री इवेंट. दूसरा नाम बता रही हूं बस, और कुछ नहीं. सो मोर देन वन आउटकम को हम बोलेंगे कंपाउंड इवेंट या कंपोजिट इवेंट. सपोज आपके इवेंट में दो चीजें हैं, एक हेड है एक टेल है, कंपाउंड इवेंट. एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स. नाउ जस्ट लाइक योर सेट्स चैप्टर, यहां पे भी हम यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारी चीजें कर सकते हैं. यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, एंड देन योर डिफरेंस ऑफ सेट्स. यहां पे क्या लिखा है मैंने, सिर्फ यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स. दीज आर द बेसिक एलजेब्रा. अब यूनियन में हम क्या करेंगे एग्जैक्टली? यूनियन का मतलब आप सब जानते हैं, वेन एवर देर इज और यानी यूनियन, दो इवेंट्स का यूनियन, ए यूनियन बी. इंटरसेक्शन का कीवर्ड है एंड, आप बोथ भी बोल सकते हो, नीदर नॉर भी बोल सकते हो. नीदर नॉर इज ऑल्सो अ कीवर्ड फॉर इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी. यू टेक द कॉमन ऑफ बोथ द इवेंट्स, दोनों इवेंट्स में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो ले लो. ठीक है, यूनियन के लिए एक और कीवर्ड दे देती हूं, एटलीस्ट, ईदर और. दिस इज व्हाट योर यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स इज. टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस ऑफ इवेंट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स नहीं चल रही बच्चे, ए और बी सेट नहीं है, इवेंट्स है, वही सेट को हम इवेंट्स बोल रहे हैं. अब डिफरेंस इज your a minus b, right? That is when an element is belonging to a but not b. Suppose there is any element omega i. Omega क्या है, इसको element पकड़ लो, कोई भी element एक है. So वो element जो है ना, it is belonging to a but
that element does not belong to B. अगर कोई एक एलिमेंट ए में है बी में नहीं, तो ए माइनस बी, ए में से बी वाले एलिमेंट्स निकाल दो, सिर्फ ए वाले एलिमेंट बिलोंगिंग टू ए बट डज नॉट बिलोंगिंग टू बी. कॉम्प्लीमेंट का मतलब है व्हेन एलिमेंट बिलोंग्स टू ए बट दैट एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू, सॉरी व्हेन दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू सैम्पल स्पेस बट इट डज नॉट बिलोंग टू सेट. ए कॉम्प्लीमेंट करेक्ट है, वो सैंपल स्पेस में तो है लेकिन ए में नहीं है. बट मीन्स एंड, एलिमेंट बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस एंड एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू सेट ए. ए कॉम्प्लीमेंट, एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए एंड एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू सेट बी. ए माइनस बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी. यूनियन मीन्स इट विल बी ईदर ए और बी, एंड इंटरसेक्शन मीन्स both a and b, belongs to both a and b. What are equally likely events? Equally likely events are when the chances of occurrence is equal. Equal chance of occurrence. Example, when you throw a die, when you throw an unbiased die, fair die, yani ki normal wala die jo market mein milta hai, 1 2 3 4 5 6, all six numbers are equally likely to come. Aisa nahi hai ki 1 ke chances zyada hai ya 6 aane ke chances zyada hai, कुछ नहीं यार. ज्योमेट्रिकली सब कुछ फिजिकली सेम बनाया है, अगर इट्स अ क्यूबॉइड क्यूब शेप तो सबके चांसेस इक्वल है आने के. हाँ भाई, एक सरफेस फ्लैट है, एक सर्कुलर है, तो आप बोल सकते हो कि फ्लैट सरफेस आएगा ज़्यादा, मोस्ट प्रॉब्ली इट विल लैंड. बट नहीं, एक अनबायस्ड डाई है, तो ऑल सिक्स नंबर्स हैव इक्वल चांसेस ऑफ कमिंग, दे आर इक्वली लाइकली इवेंट्स. ठीक है, ओके. वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स? एग्जॉस्टिव इवेंट्स का सिंपल मतलब है कि यूनियन इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस. यूनियन इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस, सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूँ तो. जब तुम चार इवेंट्स का यूनियन लोगे और आपको सैम्पल स्पेस मिल जाएगा, इट्स एग्जॉस्टिव. अ वेरी नाइस एग्जाम्पल गिवन यूर ऑलरेडी. सपोज सैम्पल स्पेस इज 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट इवेंट इज 1 2 3, सेकेंड 4 5 6, थर्ड 5 6. Then can you see even an E2, when you take its union, you will get a sample space 1, 2, 3, 4, 5, 6. So that's your exhaustive events. Exhaustive, yahan pe likha hua hai. But at the same time, if you take even an E3, 1, 2, 3 or 5, 6, to kya aapko sample space mil raha hai? Nahi, 4 gayab hai. So it is not equal to sample space, that's why it is not exhaustive. Exhaustive means union should give you sample space. यहाँ पे सिर्फ दो लिया है बच्चों, आप दो से ज्यादा भी ले सकते हो. For example, I take A1 union, A2 union, A3. तो ये तीनों का जब आप union लोगे 1 2 3 4 5 6, we don't repeat elements in set. We are getting entire sample space. So these three elements are exhaustive. They are exhaustive. एक साथ मिलके सारे elements को exhaust कर दे रहे. एग्जॉस्ट करना मतलब खत्म कर देना ना. माय एनर्जी इज एग्जॉस्टेड, आई एम एग्जॉस्टेड टुडे, मतलब मैं एकदम थकी हूं, मेरे पास कोई एनर्जी नहीं है. सो एग्जॉस्टिव यानी कि सब मिलके कुछ एलिमेंट्स बचाते ही नहीं है, सारे एलिमेंट्स पकड़ लेते हैं. साथ ही आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ध्यान से समझना, व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? आपस में अलग है. Exclusive means different. Exclusive notes, exclusive news, exclusive clothes, exclusive person, exclusive seat. मतलब हटके, different. जो हमसे अलग हो, जो हमारे से अलग हो. There is nothing common between them and us. वो exclusive है. हम ordinary है. वो exclusive है. हम ordinary है. Exclusive means there is nothing common between us. So mutually exclusive मतलब if then they cannot occur together. Or in simple words, intersection is a null set. If their intersection is a null set. Even E2, E3, same like the previous one. If you check even and E2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, there is nothing common. Even intersection E2 is 5. So they are mutually exclusive. M/E bhi likhte hai mutually exclusive ke liye. Even or E3 ko check karo. Kya kuch common hai? Even intersection E3.
it is also equal to 5. So, mutually exclusive. What about E2 and E3? E2 or E3? Yaar, do elements common hai. It is not mutually exclusive. It is not mutually exclusive because intersection is not 5. म्यूचुअली मतलब आपस में. अगर दो से ज्यादा है, चार सेट्स है, मान लो कि छह सेट्स है, दस सेट है, इवन इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 ये वाला नहीं पकड़ो. मान लेते कोई और तीन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर ये नल है तो क्या आप बोलोगे ए बी सी इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? इफ A intersection B intersection C is 5, then will you say A, B, C is mutually exclusive? No. There is a condition. Yeh alag alag se bhi null hona chahiye. Yeh alag alag se bhi null hona chahiye. Theek hai? A, B should be intersection null. B and C intersection null. A and C intersection null. If they are individually exclusive, you can say combination also exclusive. Now it is mutually exclusive. ठीक है, तो अगर दो से ज्यादा इवेंट्स आपको फाइव दे रहा है, दैट इज नॉट सफिशियंट. इंडिविजुअली भी उनका दो दो का ग्रुप में होना चाहिए, ओनली देन यू कैन से इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. लास्ट लास्ट वन बच्चों, एक और होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव and exhaustive, mutually exclusive and exhaustive events. ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम? MEE. वहां पे M/E था, यहां पे MEE. इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग है? दैट कोई भी आप इवेंट्स के इवन यूनियन E2 यूनियन जितने भी इवेंट्स के इंटरसेक्शन यूनियन लोगे, आपको सैंपल स्पेस मिलेगा. एंड व्हेन यू टेक देयर इंटरसेक्शंस, इवन इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन अप टिल EI, आपको नल मिलेगा. एंड सिमिलरली कोई दो को पकड़ लो आप, इवन और E2 को, तो आंसर नल होगा. E2 और E3 को पकड़ लो तो आंसर नल होगा. वैसे ही कोई भी हम पकड़ लेते EI और EJ, I और J कोई भी दो नंबर है तो उनका इंटरसेक्शन नल होगा. ठीक है, ये तीन कंडीशंस, द थ्री कंडीशंस इन बुक्स. यूनियन इज सैंपल स्पेस, इसीलिए इसको एग्जॉस्टिव बोलते हैं. एग्जॉस्टिव मतलब क्या बच्चों? एग्जॉस्टिव मीन्स यूनियन इज इक्वल टू सैंपल स्पेस. एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सिर्फ एक्सक्लूसिव नहीं, म्यूचुअली, आपस में सब एक्सक्लूसिव है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स देयर इंटरसेक्शन इज 5, कॉमन इंटरसेक्शन इज नल, एंड इंडिविजुअल इंटरसेक्शन इज ऑल्सो नल. ठीक है, तो अगर ये तीनों कंडीशन, उसको हम MEE, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलेंगे. राइट है बच्चों? करेक्ट है, सुपर. Next, next, a die is rolled. Let E be the even die shows 4 and F be the even die shows even number. Are E and F mutually exclusive? Chalo, let's write down E and F in set format. A die is rolled. Everybody knows what will be the sample space. Hai na? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Random. What is a random experiment? A die is rolled. What is the sample space? 1, 2, 3, 4, 5, 6. What is the event E? Shows 4. It's a simple event. Even number. Yani ki 2, 4, 6. It's a compound event. Are they mutually exclusive? E intersection F is what? It's 4. It is not 5. Therefore, E and F are not mutually एक्सक्लूसिव. आप यहां पे फुल फॉर्म लिखना. अंडरस्टूड, सुपर. वैसे ये भी क्वेश्चन है आपका, 16.2 चल रहा है, समझ लीजिए. इफ यू ओपन द टेक्स्ट बुक, 16.2 के क्वेश्चंस ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड वंस. ओके, थ्री कॉइन्स वंस. एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट?
HHH, HHT, HTH, THH, T, yeah, THT, TTH, HTT, and TTT. Let A denote the event. Let A denote the event, three heads show. B denote the event, two heads and one tail show. C denote the event, three tails show. And D denote the event, a head shows on the first point. Which events are mutually exclusive, simple and compound? Let's write down what is your A, B, C, D. A matlab three heads, H, H, H. B is two heads and one tail. So, two heads, one tail, ye aa sakta hai. Ya fir head, tail, head. Ya fir tail, head, head. Correct. What will be C? Three tails. Three tails. Only one possibility. And D, a head on the first coin. Second can be head or second and third can be head or tail. It's up to us. So, second can be head, third can be head. सिर्फ पहला हेड रखो, बाकी दोनों कुछ जो रखना है वो रखो. ठीक है, ये बोल रहे हैं. विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अगर आप ध्यान से देखें, देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन ए एंड बी. कुछ कॉमन है? ए इंटरसेक्शन बी इज फाइव. अच्छा, ए और सी में भी कुछ नहीं है. ए इंटरसेक्शन सी इज फाइव. ए और डी में कुछ कॉमन है? सुनो, बी और सी में कुछ कॉमन है? नहीं. बी इंटरसेक्शन सी इज फाइव. बी एंड डी समथिंग कॉमन? यस, लॉट ऑफ थिंग्स कॉमन. यहाँ पे मैंने ये दो दो बार लिख दिया, एच टी एच एच टी एच. इधर एच टी एच 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 टी आएगा. ठीक है, करेक्ट है. सो बी एंड सी नथिंग कॉमन, बी एंड डी यस देर इज एच टी एच कॉमन है ना, काफी कुछ कॉमन है. तो बी एंड डी नहीं आएगा. अब सी और डी में कुछ कॉमन है? नहीं. सो सी इंटरसेक्शन डी इज ऑल्सो फाइव. सो गाइज, ये ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ए एंड सी, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सो पहला क्वेश्चन हो गया. सिंपल इवेंट्स कौन कौन से है? ए एंड सी. सिंपल इवेंट मतलब ओनली वन आउटकम. So A and C has only one outcome. Last, compound event, B and D. B and D has more than one outcome. So they are compound events. Easy, simple. बस फिर वैसे ही ये question भी कर लेना अपने को. A complement. A complement मतलब sample space minus A. Not B, माने B complement होता है. Complement के लिए मैंने keyword दिया था, नहीं दिया था? तो जैसे डिफरेंस के लिए बच्चों कीवर्ड होता है ए बट नॉट बी. ये बट नॉट है ना, दिस इज द कीवर्ड फॉर डिफरेंस. और कॉम्प्लीमेंट के लिए कीवर्ड होता है सिर्फ केवल नॉट. केवल नॉट, ओनली नॉट. सो नॉट मींस नॉट बी मींस बी कॉम्प्लीमेंट. ए बट नॉट बी मींस ए माइनस बी. सो नॉट इज द कीवर्ड फॉर कॉम्प्लीमेंट, सिंपली नॉट. यहाँ पे आपको बोला है नॉट बी, दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट. सैंपल स्पेस माइनस बी आप कर दोगे. ए और बी यानी ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी है ना. ए बट नॉट सी. देखो, बट नॉट इज द कीवर्ड फॉर डिफरेंस. हम डिफरेंस में वो यूज करते हैं. सो ए माइनस सी पूछा गया है. बी और सी, और मीन्स यूनियन, बी एंड सी मीन्स इंटरसेक्शन. ए intersection, B complement, intersection, C complement. So yes, you will find B complement, you will find C complement और तीनों का intersection. तीनों में जो भी common होगा वो ले लोगे आप. तो सब आपको question read करना है. It's two dice are thrown. You know what is the sample space. 36 elements होंगे. A को लिखो क्या होगा. Getting an even number on first die. फिर B getting an odd number on first die. Even number यानी 2 1 2 2 2 3, काफी बड़ा हो जाएगा. 2 4 2 5 2 6, और भी तो इवन नंबर्स है. 4 1 4 2 ऐसे करोगे.
फिर 6162, ऐसे टोटल कितने आ रहे हैं, 6 6 6 18 फर्स्ट ए सेट में। फिर वैसे ही बी सेट के लिए आप करोगे, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट है, सो 1 1 देन 1 2 1 3, फर्स्ट डाई शुड बी ऑड, बाकी का कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं मतलब है उससे, 3 1 एंड सो ऑन, देन 5 1 एंड सो ऑन टिल 5 6, ठीक है, ये भी 12 हो गए। गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन डाई लेस देन इक्वल टू 5, सी क्या है, गेटिंग सम शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, तो आप लिखोगे वो सब, एंड देन सिमिलरली कीप ऑन सब्ट्रैक्टिंग एंड फाइंडिंग, जस्ट लाइक योर सेट चैप्टर, कुछ भी नया इसमें नहीं है। आई थिंक ये सभी बच्चे कर सकते हैं, क्या आप चाहते हैं मैं करूँ इसको, यू वॉन्ट मी टू डू, सच्ची बताओ, करना है, ओके ये ए है, ये बी है बच्चों, और ये सी है। सो नंबर सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाई लेस दैन और इक्वल टू 5, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 बस, फिर 2 1 2 2 2 3 बस, 3 1 3 2 बस, 4 1 बस, एंड 5 1 नहीं, 5 1 बिकॉज 5 + 1 विल गिव अस 6, तो इतने ही एलिमेंट्स हैं। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, इसको भी थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 4, 6 तक जाएगा और यहाँ पे 6, 6 तक, यहाँ पे 3, 6 5, 6, राइट, आई हैव माई ए बी सी, फिलिंग द वैल्यूज योर एस, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए मुझे, ए कॉम्प्लीमेंट, सो गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई पे इवन नंबर है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फर्स्ट डाई पे ऑड नंबर, सो बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी, है ना, सैम्पल स्पेस में से सारे ये वाले एलिमेंट्स निकाल दोगे तो आपको एक बी सेट ही मिलने वाला है, आप कॉपी कर लेना। नॉट बी यानी बी कॉम्प्लीमेंट, बी क्या है, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे उल्टा तो ऑड नंबर नॉट ऑन फर्स्ट डाई, यानी कि पहले डाई पे ऑड नहीं होना चाहिए, ऑड नहीं है तो क्या होगा, इवन होगा, सो फर्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज ए एंड बी आर एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर, ए यूनियन बी, अगर आप ए और बी का यूनियन लोगे तो आपको सैम्पल स्पेस मिल जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे 18 एलिमेंट्स, यहाँ पे 18 18 एंड 18 36, सो यू विल गेट एंटायर सैम्पल स्पेस विथ 36 एलिमेंट्स। ए इंटरसेक्शन बी, इज देर एनीथिंग कॉमन बिटवीन ए एंड बी, नहीं कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इज इवन, यू आर द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑड, नथिंग कॉमन, फाइन, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए बट नॉट सी, फ्रॉम ए यू रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ सी, ठीक है, सो इफ आई रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ सी दैट मीन्स द एलिमेंट्स हुज सम इज लेस देन और इक्वल टू 5, मैं यहाँ पे इसको निकाल दूंगी, 2 1 2 2 निकाल दूंगी, 2 3 निकाल दूंगी, 4 1 निकाल दूंगी, 4 2 नहीं, बस ये 4 एलिमेंट्स, यू सब्ट्रैक्ट दीज 4 एलिमेंट्स एंड राइट इट योर फ्रॉम ए सेट एलिमेंट्स हुज सम इज लेस देन 5, उसको निकाल देंगे। बी और सी, बी और सी का अगर यूनियन करेंगे तो जो भी, बस यूनियन मीन्स ये 18 एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स, विदाउट रिपीटिंग यू हैव टू राइट डाउन, एंड ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, ध्यान से देखोगे अगर आप, बहुत स्मार्टली देखना, व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज ए, सो इट इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन विथ ए इंटरसेक्शन विथ सी कॉम्प्लीमेंट, एंड व्हाट इज ए इंटरसेक्शन विथ ए, ए, सो ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ये सी है बच्चों, सम इज लेस देन इक्वल टू 5, सो सी कॉम्प्लीमेंट मतलब सम इज मोर देन 5, नॉट लेस देन इक्वल टू 5, सी कॉम्प्लीमेंट मतलब सम इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5, मोर देन 5, मोर देन एंड इक्वल टू नहीं आएगा, ओनली मोर देन 5, जो भी 5 से बड़े नंबर है ए में और सी कॉम्प्लीमेंट में, जो भी कॉमन है वो ले लेना आपको, ठीक है, सो सी कॉम्प्लीमेंट विल बी
अब यहां पे जो भी एलिमेंट आए मैं उसका ऑपोजिट लिख देती हूँ, 1 5, देन यस योर 2 4, 2 5, 2 6, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, ऐसे सब और आ जाएंगे ना। अगर मैं इसका ए एंड सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लूँ, सो आई विल नीड ओनली द इवन नंबर्स एज फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पे देखिए क्या क्या आ जाएगा, 2 4, आई हैव टू कीप इन माइंड फर्स्ट एलिमेंट शुड बी इवन एंड सम शुड बी मोर देन 4, सो फर्स्ट एलिमेंट इवन, सम शुड बी मोर देन 4, 2 5, 2 6, ठीक है, 4 1 नहीं लूंगी मैं बिकॉज सम इज इक्वल टू 5, 4 2 ले लूंगी, 4 2 से लेके 4 6 तक, एंड देन 6 1 से लेकर 6 6 तक, ये सब में फर्स्ट एलिमेंट इवन है एंड सम जो है 5 से बड़ा है, 4 2 से लेके 4 6, 6 1 से लेके 6 6, 5 वाले कोई एलिमेंट्स नहीं आएंगे। दैट्स दिस क्वेश्चन, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट विच इज एक्सियोमैटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। बच्चों आई हैव हैंड रिटन डाउन सम क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 16.3 टू बी सॉल्व बाई अस। सिंस इट्स अ समरी सेशन वी ट्राई टू रिवाइज द थ्योरी वेरी वेल, मतलब आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन साथ में अगर कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और आ जाता है। तो मैंने लास्ट मोमेंट पे एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट वाले 4 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। बेस्ड ऑन दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। नाउ फॉर 2 मिनट्स अंडरस्टैंड ये हैवी नाम का मतलब क्या है, एक्सियोमैटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। कुछ नहीं है, पहला चीज है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वी ऑल नो दैट। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस इज ऑलवेज 1 बिकॉज सैम्पल स्पेस इज द हैज ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा फुल होगी, हाइएस्ट होगी, 1 होगी। यदि ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, एमई इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इससे कंक्लूजन क्या आता है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इट इज 0। देखिए यदि ई और एफ के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है इंटरसेक्शन इज नल। इफ इंटरसेक्शन इज नल द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑल्सो नल, एंड फ्रॉम द सेट्स फॉर्मूला यू गेट दिस। एनीथिंग न्यू? नहीं। नेक्स्ट थिंग है, लेट एस बी अ सैंपल स्पेस फॉर एन एक्सपेरिमेंट। हमने बोला एस को सैंपल स्पेस पकड़ लो, और ये जो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 इनको इवेंट्स एलिमेंट्स पकड़ लो, वो सैंपल स्पेस के अंदर हेड टेल वो जो एलिमेंट्स होते हैं ना, दैट इज योर ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, यानी कि कुछ ऐसे एस देन एलिमेंट्स इनसाइड एस। तो एक्सियोमैटिक अप्रोच कहता क्या है, इट सेज फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 एंड 1, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। जैसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में रहती है, एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी भी 0 से 1। सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। व्हेन यू ऐड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। यानी कि उसी को मैंने थर्ड पॉइंट पे लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स एलिमेंट। कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसी के एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी से। और जब आप सारे एलिमेंट्स ले लेते हो तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। सेकेंड पॉइंट का एग्जैजरेशन ये है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एलिमेंट्स इज 1, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्स इज 1। किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी जितनी होगी। ये ओमेगा क्या है, इवेंट ए का पार्ट है। एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जैसे कि लेट्स से वी आर टॉसिंग अ सिंगल कॉइन,
तो सैंपल स्पेस में दो एलिमेंट होंगे हेड एंड टेल, ठीक है। इवेंट ए है, इवेंट ए इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है। नाउ इफ आई वांट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, व्हाट आई कैन डू इज इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। थर्ड पॉइंट आपका जस्टिफाई कर रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू सम ऑफ, ओके थर्ड पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स प्रोवाइडेड वो एलिमेंट्स इवेंट ए के होने चाहिए। अब इवेंट ए क्या है, हेड, यानी कि ए में क्या है, ए हैज ओनली हेड, ए हैज ओनली हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, और हेड की प्रोबेबिलिटी होती है हाफ। यदि आप टोटल प्रोबेबिलिटी देखोगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, इट विल बी हाफ प्लस हाफ, दैट इज इक्वल टू वन। तो ये वही पॉइंट है ना, समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू वन, सारे एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो, वन आएगा। यदि हम किसी इवेंट के बारे में, पर्टिकुलरली इवेंट के बारे में बात करें, तो उस इवेंट के एलिमेंट को आप ले सकते हो। फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट, वट एवर इज द एलिमेंट, इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी टेकन, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही था, इफ यू आर टॉसिंग अ कॉइन एंड लेट्स सी ऑड नंबर आया, सो 135 135 तीनों की प्रोबेबिलिटीज ऐड होकर आपको मिल जाएंगी। एग्जाम्पल, थ्रोइंग अ डाइस, ये आपका एक्सपेरिमेंट है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं हम इसको। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। चलिए सबसे पहले अपन ये वाले सेकंड पॉइंट को समझते हैं, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गेटिंग अ वन, इट्स हाफ, सॉरी 1/6। व्हाट ऑल आर इक्वली लाइकली, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 2 3 4 5 6 सब कुछ सेम है बच्चों, ऐसा बोल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 3 4 5 6 सभी की प्रोबेबिलिटीज जो है वो 1/6 है, इक्वली लाइकली। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 व्हेन यू ऐड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल, इट विल बी 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 6/6 1। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आ गई। चलो अब एक इवेंट लेते हैं, लेट्स टेक एन इवेंट ए, देयर इज एन इवेंट ए ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ठीक है। सो ए में क्या क्या होगा, ऑड नंबर्स 1 3 5। सो आई वॉन्ट टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट ए, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 + 3 + 5। What is probability of 1, 3 and 5? 1/6 + 1/6 + 1/6, 3/6 which is 1/2। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट जस्टिफाई हो गया। क्या आपको समझ में आया, फर्स्ट पॉइंट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स का प्रोबेबिलिटी 1, सेकेंड पॉइंट फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट इफ यू टेक दोज एलिमेंट्स एंड एड यू विल गेट आंसर। सो या समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1, एंड probability is never negative, please remember, किसी भी element की probability negative नहीं होगी। If there is an element, its probability will always be greater than or equal to 0, it will never be negative। वो question solving में जो आपके first, second, third questions है ना, table form में 16.3 वहाँ पर use हो जाता है, ठीक है। ये basic definition, what is probability of an event, if A is an event, S is sample space, N of A is number of favorable outcomes, N of S is total possible outcome. So probability of any event is number of favorable outcomes upon total possible outcomes. ये तो basic definition हमने देखा है probability का, correct. ये sets वाला formula, probability of A union B is probability of A plus B minus A intersection B.
थ्री सेट्स वाला भी लगा सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी वाला जो सेट्स में फॉर्मूला, यू कैन अप्लाई द सेम थिंग योर विथ प्रोबेबिलिटी ऑल्सो. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वन क्यों, बिकॉज प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होती है. लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस बच्चों. अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड फोर टाइम्स एंड अ पर्सन विन रुपीज वन फॉर ईच हेड एंड लूज रुपीज 1.50 फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप. फ्रॉम सैम्पल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव after four losses and probability of having each of this amounts. ठीक है, ये question आपके textbook का है. Let's do the solution. You can find it in 16.3. So, कोई scenario समझ में आया कि मैं gambling में जा रही हूँ, मुझे बोला है कि अगर head आया तो एक रुपये मिलेगा, tail आया तो डेढ़ रुपये मुझे भरना पड़ेगा. It's my loss. Question is, कितने कितने अमाउंट्स मिल सकते हैं अगर चार बार आफ्टर फोर टॉसेस. बच्चों ये टॉसेस होगा ना, लॉसेस कैसे होगा, आफ्टर फोर टॉसेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच. तो चार बार अगर गेम टॉस किया गया है तो कितना प्रॉफिट कितना लॉस क्या हो सकता है बताना है. चलो हम अलग अलग सिनेरियोज लेते हैं. मैं फर्स्ट केस ले रही हूं कि मेरे को ना ऑल फोर हेड्स, मेरे को चारों के चारों हेड आ गए, तो मुझे अगर चारों हेड आ गए तो आई विल गेट वन 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 वन, एक एक रुपए मुझे प्लस फोर हो जाएगा मेरे पास. सेकंड केस, थ्री हेड्स एंड वन टेल, ठीक है, तो थ्री हेड्स का मुझे तीन रुपए ऐड हो गया, वन टेल का 1.5 रुपीज सब्ट्रैक्ट हो गया, थ्री माइनस 1.5, चलो मेरे को 1.5 मिल गया. थर्ड केस, टू हेड टू टेल, दीज आर द पॉसिबल सिनेरियोज. वो क्वेश्चन है ना, वॉट आर द डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी. सो टू हेड्स के लिए मुझे दो एक रुपए मिलेंगे, टू टेल्स के लिए आई विल हैव टू सब्ट्रैक्ट 1.5 टू टाइम्स. सो टू माइनस थ्री, मैं एक रुपए घाटे में चली जाऊंगी. एंड फोर्थ केस, वन हेड एंड थ्री टेल्स, वन हेड का एक रुपए बट तीन टेल्स का मैंने 1.5 सब्ट्रैक्ट करना है. सो माइनस 4.5, मुझे साढ़े तीन रुपए घाटा हो रहा है. एंड लास्ट केस, ऑल फोर टेल्स, अगर चारों बारी टेल आ गया तो चारों बारी मुझे डेढ़ रुपए भरने पड़ेंगे, यानी कि टोटल 6 रुपए मुझे भरने पड़ेंगे. करेक्ट है, यहां पे चाहिए तो रुपीज लिख लो यार. क्वेश्चन है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द, हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर फोर टॉसेस. वी आई कैन ईदर हैव 4 रुपीज और 1.5 रुपीज, और आई वुड हैव लॉस्ट 1 रुपी, लॉस 3.5 रुपीज और लॉस 6 रुपीज. प्लस मतलब मुझे मिला है, माइनस मतलब मैंने लॉस किया. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दिस अमाउंट, सो वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर हेड्स. अगर मैं इसको फर्स्ट इवेंट बोलूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर हेड्स कितना हो जाएगा. फोर टॉसेस में सैम्पल स्पेस क्या होता है, हमने थ्री टॉसेस का तो सैम्पल स्पेस लिखना सीखा है, फोर टॉसेस का लिख दे एक बार. कितने आउटकम्स होंगे, एच 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 एच, फिर एच 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 टी, फिर एच एच टी एच, राइट. मैं फोर हेड्स, नाउ आई एम डूइंग ऑल थ्री हेड्स केसेस, फिर मैं टू हेड्स वन हेड जीरो हेड ऐसे जाऊंगी. तो थ्री हेड्स वाले केसेस कर रही हूँ, एच एच ओके, एच टी एच एच टी एच एच ट्रिपल एच, यही केसेस होंगे, फोर केसेस. अब मेरे पास डबल हेड वाले केसेस करने हैं, एच एच टी टी एच टी एच टी टी एच टी एच टी टी एच एच, ठीक है, एच टी टी एच टी एच एच टी. देखो ये 6 केसेस हो रहे हैं,
ये 6 केसेस हो रहे हैं मेरे को डबल हेड के लिए, फिर सिंगल हेड के लिए 4 केसेस बनेंगे मेरे ख्याल से। एक बार यहाँ पे दिख जाएगा ना सबको, ये सिंगल हेड लिखना है, एच ट्रिपल टी देन टी एच डबल टी देन टी टी एच टी देन ट्रिपल टी एच, ठीक है। अब मैं जीरो हेड्स, जीरो हेड्स यानी कि ऑल टेल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, परफेक्ट 16 आउटकम्स होते हैं बच्चों, ठीक है। सो फोर हेड्स के लिए अगर आप काउंट करोगे, फोर हेड्स के लिए एक ही आउटकम है, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1 out of 16। थ्री हेड वन टेल, तीन हेड और वन टेल वाले कितने नंबर्स हैं? ऐसे 4 है, सो 4 out of 16, दैट इज 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स एंड टू टेल्स, दो हेड और दो टेल वाले कितने हैं? 6 है टोटल, 6 out of 16, जिसको आप लिख सकते हो 3/2, 3 जा 2, 8 जा। वन हेड एंड थ्री टेल्स, एक हेड और तीन टेल वाले 4 हैं, 4 out of 16 विच इज 1/4, एंड ऑल फोर टेल्स ऐसा कितना है? 1 out of 16, तो 1/16, 1/16, 1। सो आपके कितने चांसेस है कि आप 4 रुपीज जीत पाओ? बहुत कम। कितने चांसेस है कि आप 6 रुपीज हार जाओगे? बहुत कम। कितने चांसेस आप 1.5 रुपए कमा लोगे? 1/4। कितने चांसेस आप 3.5 रुपए गवा लोगे? 1/4। हाउ मेनी चांसेस? ओनली 1 रुपीज लॉस, 3/8, ठीक है। सो दैट इज वॉट द प्रोबेबिलिटी इज हेल्प्ड इन गैम्बलिंग। गैम्बलिंग को मैथमेटिक्स से डील करोगे तो बड़ा फायदा होगा। चलो एक और मैं आपको गैम्बलिंग वाला क्वेश्चन बताऊंगी, लॉटरी वाला, आफ्टर दिस। अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन सैम्पल स्पेस? पॉइंट्स मतलब बच्चों एलिमेंट्स, पॉइंट्स मतलब एलिमेंट्स। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस? इफ वन कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम 52, देयर आर 52 एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। सो इफ आई डू द सेकेंड वन, प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज एस ऑफ स्पेड। तो कितने एस ऑफ स्पेड होते हैं? सिर्फ एक, टोटल 52 में से। ओके, दिस वाज सेकंड। नाउ डू द कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस, कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड। तो थर्ड में भी दो केसेस है, फर्स्ट वाला प्रोबेबिलिटी एस कार्ड, कितने एस कार्ड होते हैं टोटल? 4 out of 52 विच इज 1/13। एंड अगर मैं सेकेंड वाला देखूं, probability of black card, तो कितने black cards होते हैं? Half, that is 26 out of 52 is black, 1/2। समझ रहे हो? Simple, straightforward probability apply कर लिया cards वाले scenario में। अगर cards नहीं आता है कि मैम how many red, how many black, how many heart, how many diamond, space, face card, ace card, confusion है तो बताओ chat में, एक छोटा सा short बना लेंगे in which I'll be explaining all the cards very nicely। ठीक है, ये कार्ड्स को अच्छे से समझना बड़ा जरूरी है, क्वेश्चन आते हैं। चलो लॉटरी वाला गेम आ गया, अब लॉटरी निकालने की बारी आ गई। इन अ लॉटरी अ पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, एंड इफ दिस सिक्स नंबर्स विच आई हैव चोजन फ्रॉम 1 to 20 इज मैचिंग विद द 6 नंबर्स गिवन बाय द लॉटरी कमिटी, देन ही विंस द प्राइज। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग? वॉट इज द प्राइज ऑफ विनिंग? नहीं, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब 1 से 20 तक नंबर मेरे सामने रखा है, मुझे कोई 6 नंबर निकालना है, चूज करना है। अगर मेरा निकाला हुआ 6 नंबर और लॉटरी कमेटी ने जो फिक्स किया 6 नंबर मैच कर गया तो मुझे प्राइज मिलेगा। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी? तो बहुत सिंपल है यार, वॉट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 6 numbers, natural numbers of course, out of 20, isn't it 20C6 ही होगा ना बच्चों, 20 में से 6 number select करा। अच्छा select करना है या arrange भी करना है? Order doesn't matter। अच्छा उन्होंने क्या बोला है? Order doesn't matter, यहाँ पे bracket में hint दे रखा है, order doesn't
मैटर. अगर बोल रखा होता कि ऑर्डर भी मैच करना चाहिए तो आई वुड हैव टेकन परमिटेशन, यानी कि मैं 1 2 3 4 5 6 निकाल रही हूँ या फिर 6 3 2 1 5 4 निकाल रही हूँ, ये अलग है ये अलग काउंट करेंगे. इफ दीज टू आर काउंटेड डिफरेंट बाय द कमिटीज आई वुड हैव टेकन परमिटेशन, बट कमिटी ने बोल रखा है ऑर्डर फर्क नहीं पड़ता, जो चूज किए हैं ना नंबर्स वो सेम होने चाहिए. तो ये कर रहे हो यार, मतलब किसी ने 1 2 3 4 5 6 किया, किसी ने 6 5 4 3 1 2 किया, दोनों सेम ही है, दोनों के चांसेस है जीतने के. किसी ने 1 1 9 6 13 12 और 10 कर दिया, ठीक है 1 2 3 4 5, और मैंने 1 2 8 11 15 19 ये मैंने 6 किया, तो ये अलग है ये अलग है, ठीक है. दीज आर डिफरेंट, दीज टू आर सेम अकॉर्डिंग टू द लॉटरी कमिटी. तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट, यू डोंट हैव टू अरेंज, दैट्स व्हाई कॉम्बिनेशन. बहुत अच्छे इंसान लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे. 20C6 की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, इसकी वैल्यू होगी 38,760. एक बार चेक कर लेना, ठीक है. नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 6 नंबर्स आउट ऑफ 20. ये क्या था बच्चों, ये क्या था? टोटल नंबर ऑफ वेज था यार, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 6 नंबर्स आउट ऑफ 20. अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ वेज ऑफ विनिंग, कितने तरीके से हम जीत सकते हैं, तो केवल एक ही तरीका है, देयर इज ओनली वन वे ऑफ विनिंग, कुछ और तरीका नहीं है. अगर उनके 6 नंबर आपके 6 नंबर मैच हो गए तो जीत जाओगे. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, करेक्ट, फेवरेबल अपॉन टोटल, ये तो हम जानते हैं. फेवरेबल कितना है 1, और टोटल तरीके कितने हैं 38,760. तो आपके जीतने के चांसेस भी इतने हैं, लगभग 38,000 में से एक इंसान जीतेगा, समझ रहे हो. अच्छा, इन्होंने अरेंजमेंट नहीं दिया, अगर मतलब अरेंजमेंट दे दिया होता परमिटेशन तो बहुत बड़ा नंबर आता इनटू 14 फैक्टोरियल, तो दिस चांस ऑफ विनिंग वुड हैव बीन ऑलमोस्ट, मतलब जीतने के तो 20 लाख में तुम चले जाते. जब 20 लाख बंदे टिकट्स खरीदते तब तुम्हारा शायद एक का चांस आता जीतने का. सो एनीवेज वो नहीं दिया है, गुड. चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे क्या बोलते हो यार बच्चों, हो गया ना 1 2 3 4, परफेक्ट. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. In an entrance test that is graded on the basis of 2 examinations, the probability of randomly chosen student passing the first exam is 0.8 and passing the second exam is 0.7. Probability of passing at least one of the exam is 0.95. What is the probability of passing both sets? जैसा ही है, आपको बस अच्छे से नामकरण statements वगैरह करने होंगे, solution को एक बार नजर मार लेना. हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द फर्स्ट एग्जाम 0.8, एफ फॉर फर्स्ट, सेकेंड एग्जाम 0.7. अब ये एटलीस्ट वर्ड बचपन से तुम सीखते आ रहे हो, एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन, है ना. 0.8 ओके 0.95, हमको ढूंढना क्या है, बोथ. बोथ का मतलब भी हम बचपन से सीखते आ रहे हैं. What is the probability of passing in first as well as second exam? Formula हम बचपन से देखते आ रहे हैं. Union और intersection को हम formula में interchange कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, that's equal to 0.8 plus 0.7 minus 0.95. And whatever is the answer will be the answer. ऐसे में बच्चों दो तीन चीजों का ख्याल रखो. फर्स्टली यू हैव टू राइट डाउन व्हाट इज एफ. एफ डिफाइन कर लो, प्रोबेबिलिटी, या एफ इज पासिंग इन फर्स्ट एग्जाम, एस इज पासिंग इन सेकेंड एग्जाम, एफ यूनियन एस इज पासिंग एटलीस्ट इन वन एग्जाम, एफ इंटरसेक्शन एस इज पासिंग इन बोथ द एग्जाम्स. एक बार ये स्टेटमेंट्स लिख दो, फिर कैलकुलेशन करके, एंड देन फाइनल आंसर स्टेटमेंट फॉर्म में. बच्चों ये वर्ड प्रॉब्लम्स में हमेशा फाइनल आंसर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखोगे तो बहुत अच्छा काम करोगे. अच्छा, ये कितना आ रहा है, 1.5 माइनस 0.95 विल बी 0.55.
करेक्ट, परफेक्ट। सो दैट वॉज ऑल बच्चों, दैट वॉज ऑल फॉर द प्रोबेबिलिटी चैप्टर। होप ये सिंपल सा चैप्टर आपको पसंद आया। आप सारे एक्सरसाइजेस, सारे क्वेश्चंस करो, कोई भी डाउट्स हो वी आर हियर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, आई बिड अडू टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।